बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरशद सलीम और आज आप ये कुल्हाड़ा मेरे हाथ में देख के सोच तो रहे होंगे कि आज मैं प्रोग्राम किस पे करने जा रहा हूँ। बिल्कुल इस पे जो निशान बना हुआ है ये कई कबीले का है और आपने ड्रामा देखा होगा उठतकर, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत से, जो कि ड्रामे में आपको नजर आता होगा कि ये कुल्हाड़ा जो है वो लेके लोगों की गर्दनें उतारता है। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तानी हुकूमत से। उर्तिकल गाज़ी के सारे किरदार जो हैं वैसे तो फेमस हुए हैं, लेकिन कुछ किरदार ऐसे थे जिनको अवाम में बहुत ज़्यादा पसीराई मिली है। जिस तरह के करीबी साथी उर्तिकल के तुरगत, जिनको हम उर्दू के नाम नूरगुल से भी जानते हैं, तो आज हमने पाकिस्तानी नूरगुल जो है उसको ढूंढ निकाला है। आइए आज आपकी इनकी मुलाकात करवाते हैं और इनकी मदद मदद की बातें सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, मुझे इस वक्त मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं असल नूरगुल या तुरगत के सामने बैठा हूँ या ये पाकिस्तानी है, क्योंकि आपकी बिल्कुल हुबहू शक्ल जो है उनसे मिलती है। तो अपना नाम सबसे पहले बता दें। जी, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अली ख़ान है। तो मैं तुर्किश नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी नूरगुल जो मुझे लोग कहते हैं, तो मैं पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, ड्रामा वैसे आपने उर्तिकल देखा है? जी जी, मैंने बड़ी देर से देखा हुआ उर्तिकल ड्रामा। आपके फेवरेट किरदार कौन कौन से थे इसमें? मेरे तो सभी फेवरेट किरदार हैं, लेकिन जितने अरतगल और अरतगल के जो तीन चार दोस्त हैं, ये मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। और आपकी शक्ल भी हूबहू उनसे मिलती है। अब आपके दोस्त भी जो है वो आपको नूरगुल के नाम से पुकारते होंगे? जी जी बिल्कुल, मुझे फेसबुक पे, ये सोशल मीडिया पे मुझे लोग और वैसे भी मेरी सोसाइटी के लोग मुझे नूरगुल के नाम से पुकारते हैं। सही है। तो लोग अब आपके पास आके सेल्फीज वगैरह भी लेते होंगे, टिकटॉक भी, मतलब आप भी स्टार जो हैं वो बन गए हैं? जी, बस इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में। इसी तरह ही लोग मुझे जो देखते हैं तो वो मुझे सेल्फीज भी लेते हैं और दूर से वो इशारा भी करते हैं, ये नूरगुल क्या हाल है, वैसे ऐसे कमेंट वगैरह करते हैं लोग। तो अभी आपने, मैंने देखा कि आपने ये कुल्हाड़ा वगैरह भी जो है वो तैयार करवाया, इस पर काई कबीले का इन्होंने जो है वो निशान भी बनवाया हुआ है। तो किसी ड्रामे में काम करने की आगे ख्वाहिश या किसी फिल्म में काम करने की ख्वाहिश? जी जी, ये अगर मतलब अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई हिस्टोरिकल ड्रामा बनता है, तो अगर मुझे वहाँ से ऑफ़र आती है तो मैं ज़रूर उसके अंदर पार्टिसिपेट करूँगा, उसके अंदर ज़रूर काम करूँगा हिस्टोरिकल ड्रामा के अंदर। अच्छा, वैसे आप रियल लाइफ में भी जो हैं वो फ़ाइटर हैं, तो ज़रा बताएँगे नाज़रीन को कि आप रियल लाइफ में क्या करते हैं? मैं रियल लाइफ में, मेरा अपना क्लब है मार्शल आर्ट का, तो मैं उसकी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता हूँ। तो ये चाइनीज़ मार्शल आर्ट का मतलब मैं इसकी ट्रेनिंग देता हूँ, मेरा क्लब है। तो ये मैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपना ये क्लब चला रहा हूँ इसके अलावा। सही है। आपने बहुत सारे मुकाबले जीते भी हैं, इससे पहले भी आप बता रहे थे कि आपने इंटरनेशनल लेवल के भी मुकाबले भी जीते हैं। नहीं नहीं नहीं, इंटरनेशनल नहीं, तो मतलब मैं नेशनल लेवल तक गया हूँ। मैंने काफ़ी मतलब खेले हैं अपने पाकिस्तान के अंदर, इंटर यूनिवर्सिटी, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, ये काफ़ी मैंने इवेंट खेले हैं। इंटर रेंज यूनिट खेली है पुलिस की एक दो मरतबा, तो काफ़ी मतलब मैंने इवेंट खेले, नेशनल लेवल का मैं प्लेयर हूँ। यानी जिस तरह उर्तिकल के ड्रामे में हमने देखा कि नूरगुल जो है वो दुश्मनों को ढेर कर देता है, तो उसी तरह आप भी जो हैं जब लड़ने जाते हैं तो आपके जो ऑपोजिट होता है उसको भी इसी तरह ढेर कर देते हैं? फिलहाल तो हम जिधर जा रहे हैं अपने पाकिस्तान के अंदर ही खेलने के लिए गया हूँ, तो वो भी मेरे से आगे मुसलमान भाई होते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये होता है उनसे सिर्फ जीतना होता है, उनको बिछाड़ना नहीं होता। अगर अल्लाह ने ऐसा मौका दिया कुफार के सामने, तो इंशाल्लाह उनको बिछाड़ेंगे भी। अच्छा, आपने कुल्हाड़ा जो है वो बनवाया, उस पर काई कबीले का निशान भी बनवाया, तो उर्तिकल का जो नूरगुल का जो कुल्हाड़ा था उसने तो बहुत सारे लोगों की गर्दनें उतारी, तो अगर ये कुल्हाड़ा आपको कहा जाता है कि आप किसकी गर्दन उतारें, तो आपको नूरगुल की जगह पे भेजा जाता है, तो किसकी गर्दन उतारेंगे? ये सबसे पहले तो ये जो कुल्हाड़ा मैंने खुद नहीं बनाया, ये मुझे गिफ्ट आया था ये फैसलाबाद से। तो अगर मुझे इससे मौका मिला, ये तो लकड़ी का है, तो इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला रियल लाइफ के अंदर, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, तो मैं इस वक्त जो मैं चाहता हूँ कि मैं जिसकी गर्दन उड़ाऊँ, वो एक ही शख्स है जिसको बहुत ज़्यादा लोग नफ़रत की निगाह से देखते हैं, वो हमारे इंडिया की मोदी सरकार है।
उनका मैं उनकी मैं गर्दन उड़ाना चाहता हूँ इस कुल्हाड़े के साथ। यानी जो जज्बा नूरगुल के अंदर था इंसानियत की खिदमत का और स्पेशली इस्लाम की खिदमत का, वो आपके अंदर भी है? जी जी बिल्कुल, हर मुस्लिम के अंदर ऐसे जज्बात होते हैं, एक ही तरह के जज्बात होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुसलमान और मैं भी मुसलमान हूँ, तो मेरे भी जज्बात उसी की तरह हैं। अच्छा, आपका जो बाल हैं और दाढ़ी है ये बिल्कुल नूरगुल से मिलती जुलती है, तो क्या ये ड्रामे से पहले भी इस तरह थी या ड्रामे के बाद आपने देखा तो ख्याल आया कि मैं इस तरह बनाऊं? नहीं, ये जो दाढ़ी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ हूँ, तो मैं एक मज़हबी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो ये दाढ़ी मैंने शुरू से ही रखी जब से आई है। तो बाल का मतलब कटवाता भी था, बड़े भी रखता था, लेकिन जब से ये मुझे लोगों ने नूरगुल के नाम से पुकारना शुरू किया तो मुझे कहते हैं कि अपने बाल बड़े करो, तब से मैंने अपने बाल बड़े करने शुरू किए। अच्छा, ज़्यादा फैंस कौन है, लड़कियाँ या लड़के? बस मिक्स ही है सारा कुछ, हर कोई कमेंट मारता है बस जी अल्लाह आपको तरक्की दे, ऐसे वैसे सब भी हैं इसके अंदर। तो बहुत सारी जो लड़कियां हैं उन्होंने सेल्फी की ख्वाहिश भी ज़ाहिर की होगी? अभी मैं पब्लिक प्लेस भी नहीं गया, एक दो मरतबा गया हूँ, जैसे कि पंजाब कॉलेज हो गया, एक दो और अपने प्राइवेट काम के लिए गया था, तो वहाँ पे फिलहाल वहाँ पे गर्ल्स तो नहीं थी लेकिन बॉयज़ ही थे, उन्होंने मेरे साथ सेल्फीज़ वगैरह ली कि वो पाकिस्तानी तुर्क थी ना आप, तो मैंने कहा जी मैं वही हूँ, तो उन्होंने मेरे साथ सेल्फीज़ वगैरह ली। तो कैसा लगता है कि पहले भी आप जब जाते थे और अब आप जब जाते हैं तो आपके वो सारे फैंस, मैं अगर कहूँ कि वो सारे फैंस बन गए हैं और आपको साथ सेल्फ़ी लेते हैं और आपको कहते हैं कि सर हमारे साथ एक सेल्फ़ी, कैसा महसूस होता है? तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, क्यों, वो इसीलिए कि मैं एक इस्लामिक एक्टर की वजह से फेमस हुआ हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा फील होता है। सही। अच्छा, अगर तुर्कत जो अल्प हैं वो पाकिस्तान आते हैं तो क्या आप उनसे मिलना पसंद करेंगे? जी जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने सुना है मुख्तलिफ मीडिया वाले बता रहे हैं कि वो अक्टूबर या नवंबर के अंदर आएंगे, ये पूरी टीम आएगी, तो मैं इस पूरी कास्ट से मिलना चाहता हूँ, मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि अर्तगल से भी मिलूँ, नूर मतलब पूरी टीम से मिलना चाहता हूँ मैं इनकी। सही है। तो आप वो पोशाक जो जेब तन करते हैं नूरगुल अपने ड्रामे में, या जब वो किया करते थे जो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो सब चीज़ें महफूज हैं, तो उस तरह की पोशाक कब बनवा रहे हैं? ये अभी इंशाल्लाह कोशिश तो कर रहा हूँ, कि कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए हैं कि हम इसके ऊपर काम करें, फिलहाल ना ऑनलाइन काफ़ी काम शुरू हो गया कुल्हाड़े तलवारों वगैरह का, लेकिन अभी इसकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं हुई, तो एक दो के कमेंट्स आए हैं मुझे कि भैया हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए वो बनवाएं और आपको वो गिफ्ट करें, जब भी किसी ने बनाया तो इंशाल्लाह आ जाएगा। सही है। अच्छा, एक हमने देखा कि और हम शक्ल उर्तगल के भी जो हैं वो पाकिस्तान से निकले हैं, तो क्या उन्होंने आपसे रابطہ किया लोग? जी जी बिल्कुल, इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर दो तीन उर्तगल हैं, एक मेरे ख्याल में पिंडी से और एक कराची से, जो कराची से वो इस टाइम पे काफ़ी फेमस हैं, उनका सबसे पहले बल्कि उनके इंटरव्यू होने से पहले एक इंटरव्यू हो चुका था, तो उन्होंने मुझसे रابطہ किया था कि भाई हम इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे और मिलकर इकट्ठे वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उनको कहा ज़रूर, या मैं कभी कराची आया या कभी आप लाहौर आए तो इंशाल्लाह मिलकर वीडियोज़ बनाएंगे। यानी कि तुर्कत और जो नूरगुल अल्प हैं वो दोबारा से मिलने जा रहे हैं, उनकी मुलाकात होने जा रही है, तो दोबारा से जोड़ी बन जाएगी इंशाल्लाह ज़रूर, ये चारों इकट्ठे पाकिस्तान से मिल जाएंगे, बामसे भी मिल जाएगा, रुशान भी मिल जाएगा, अनकरीब भी सारे मिल जाएंगे। सही है। अच्छा, मुझे बताएं ऑफर्स बड़ी हुई होंगी उसके बाद? ये ऑफ़र फ़िलहाल तो इंटरव्यूज़ की ऑफ़र आ रही हैं, ऑफ़र छोटी मोटी जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेशन होगी इस तरह वगैरह की, वो एड शूट वगैरह के लिए इस तरह की ऑफ़र्स आ रही हैं, तो वो मैं अटेंड कर रहा हूँ फ़िलहाल। बाकी ये अगर तुर्की से ऑफ़र आ जाए तो, अगर ये आ जाती तो ये मेरी बहुत गुड लक है, अगर मुझे उन्होंने ऑफ़र की ड्रामा के अंदर तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगा। सही है। यानी ड्रामे का प्लान है कि जी ड्रामा जी, करना है हिस्टोरिकल ड्रामा जो इस्लाम के अंदर, जो इस्लाम के ऊपर बनेगा ना उसके अंदर इंशाल्लाह मैं ज़रूर, अगर मुझे ऑफ़र हुई तो जाऊँगा उसके अंदर। अच्छा सर, आपके बॉक्सिंग कैरियर पर आते हैं, ठीक है, तो मुझे बताएँ कि ये कब से शुरू हुआ, क्या शौक़ था? ये मेरा शुरू से ही शौक़ था, तो मुझे इसके क्लब नहीं मिल रहे थे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसके क्लब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, तो जब मुझे ये मिला तो मैंने ये शुरू कर दिया, तो मुझे 7-8 साल हो गए ये गेम करते हुए, उसके बाद से ये मैं मुसलसल रेगुलर करता आ रहा हूँ, और अब मेरा अपना क्लब है, ये मैंने सीख लिया, मैं नेशनल लेवल का प्लेयर भी हूँ, अब मैं अपना क्लब चला रहा हूँ। तो कितने स्टूडेंट्स आपके पास इस टाइम सीख रहे हैं? मेरे पास इस टाइम पे तकरीबन 30 से 35 स्टूडेंट होंगे। आप तो वो भी बड़े खुश होते होंगे कि जो है वो हमारे जो टीचर हैं उनकी जो शक्ल है वो फेवरेट एक्टर से मिलती है। जी जी बिल्कुल, इसी तरह के काफ़ी स्टूडेंट खुश होते हैं, सर वाह आप तो फेमस हो गए, हमें हमारे साथ भी सेल्फी ले लें, या हमें इस तरह वगैरह, इस तरह के कमेंट्स सुन के आते हैं बच्चों के, बहुत खुश होते हैं वो। अच्छा, जिस तरह ये ड्रामा जो है वो पाकिस्तान में देखा गया, इसके जो फैंस हैं उनमें इजाफा होता गया, तो फैंस ने ख्वाहिश जाहिर की कि जो ये सारे किरदार हैं पाकिस्तान आए, हलीमा सुल्तान भी पाकिस्तान आ रही हैं, वो आती हैं, तो क्या आप उनसे मिलेंगे? मैंने जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि हलीमा सुल्तान है, कि असलहान है, जितनी भी है, ये पूरी टीम अगर आती है तो मैं पूरी टीम से मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ, मैं पूरी टीम से मिलूंगा, नहीं कि सिर्फ हलीमा से बल्कि पूरी टीम से ही मिलूंगा। अच्छा, असल ज़िंदगी में हमने देखा ज़रा नूरगुल की जो असल ज़िंदगी थी उसमें ख़वातीन के हवाले से जो उनका थोड़ा था वो हम कहेंगे कि इतना कोई अच्छी लक नहीं रही, तो इधर हफ साहब आप बताएँ ज़रा।
ये तो क्वेश्चन उन्हीं से ही हो सकता है क्योंकि एक्टिंग उन्होंने की है, उन्हीं के साथ ड्रामे में ऐसा हुआ है। आप उनके हमशक्ल है ना, तो आपकी मतलब बताएं आपकी क्या। मेरा क्या, मैं तो अभी तक मस्कीन हूँ, मेरे पास तो अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं मेरी कोई बैड लक वहाँ से नज़र आए, तो मेरा अभी तक ऐसा कोई कनेक्शन नहीं किसी के साथ। सही है। अच्छा, टिकटॉकर्स आते हैं आपके पास? अभी कल मुझे एक ऑफ़र आई है कि कल हॉर्स राइडिंग की भी मुझे एक ऑफ़र आई है, उसके अंदर मुझे एक बंदे ने कॉल की, वो बता रहे थे कि एक टिकटॉक पे ना लड़का है कोई सुल्तान जट के नाम से, मैंने देखा नहीं है, वो कह रहे थे कि उसके अच्छे व्यूवर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, तो हम आपका ना उसके साथ टिकटॉक वगैरह बनाना चाहते हैं और हॉर्स राइडिंग भी करवाएंगे ये वो, इस तरह की कल आई है जुमे वाले दिन की, तो मैं कल वहाँ पर जाऊँगा। वैसे घुड़सवारी का शौक़ आप रखते हैं? जी जी, इससे पहले मैं एक अटेंड भी कर चुका हूँ, ये एक काई स्टोर के हवाले से एक वेब भी बनी है, उन्होंने मुझे बुलाया था मुरीदके के अंदर, तो वहाँ पर ये मैं अपना शूट वगैरह दे चुका हूँ, और पहली मेरी हॉर्स राइडिंग हो चुकी है पिछले संडे को। वाह, ये तो ज़बरदस्त हो गया। वैसे टिकटॉक के बारे में आपका क्या ख्याल है? टिकटॉक तो पहले मैं नहीं यूज़ कर रहा था, तो मुझे काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई नहीं, आप टिकटॉक यूज़ करो, आपको करना चाहिए, तो बल्कि उन्होंने मुझे ये बना के भी दी है, टिकटॉक जो ऐप होती है वो सारा मतलब अकाउंट बना के दिया है, तो अब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया, तो काफ़ी मतलब उसमें से मुझे अच्छे मतलब मिल रही है कि मेरे वो फॉलोवर भी बढ़ रहे हैं, अभी मुझे तकरीबन 15-20 दिन हुए हैं मैं चला रहा हूँ, तो मेरे 5,000 के करीब फॉलोवर बन गया है, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, मतलब अच्छा जा रहा हूँ टिकटॉक के ऊपर। सही है। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर्स प्लान यही है कि जैसा कि मेरा क्लब है, मैं इसको रखूंगा, अगर मुझे कहीं से ऑफर आ जाती है इस ड्रामा वगैरह इस्लामिक ड्रामा के लिए, तो मैं उसके अंदर भी एक्टिंग करूंगा। अच्छा, हमने देखा आप ये कुल्हाड़ी भी बड़ी अच्छी चला लेते हैं, ये कहीं से ट्रेनिंग ली है या फिर बाद में शौक पड़ा? नहीं ट्रेनिंग नहीं ली, जब ये कुल्हाड़ा मुझे गिफ्ट आया तो फिर इसको वैसे थोड़ा रखना है, तो इस तरह की मैंने थोड़ी सी इसकी मूवमेंट भी इसकी कोशिश की कि तैयार करूँ, जिस तरह की ये तुरगुत घुमाता है, तो उस तरह की मैंने कोशिश की है, तैयारी की है थोड़ी बहुत मूवमेंट की। वैसे आपको पर्सनली मुझे बताएं कि एक तो बंदे को शौक होता है कुल्हाड़े का या तलवारबाजी का, आपको किसका शौक है, तलवारबाजी का शौक ज़्यादा है या इसका शौक ज़्यादा है? मुझे तलवार का भी शौक़ है और कुल्हाड़े का भी शौक़ है, अब जो मेरी वो मुशाबत है वो तुरगुत के साथ मिलती है, तो उसके पास कुल्हाड़ा होता है, इस वजह से जो मेरा ज़्यादा फोकस है वो कुल्हाड़े के ऊपर है। सही। अच्छा, हमने देखा कि जब भी इस तरह का स्टार जो है वो फेमस होता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उनसे रابطہ करते हैं, उनको इवेंट्स पर बुलाते हैं, और इवेंट्स का क्या प्लान है, आप इवेंट्स पर भी जाएँगे बर्थडे पार्टीज वगैरह पर? फ़िलहाल तो अभी ऑफ़र आई है, अभी मैंने कंफर्म नहीं किया, तो ये मैं जैसे कि मेरे कुछ दोस्त हो गए हैं जो मेरे से एज में बड़े हैं, उनसे मैं मशवरा करूँगा, अगर वो मुझे मशवरा देते हैं जाने का तो फिर मैं ज़रूर जाऊँगा, अटेंड करूँगा, अगर वो मुझे कहते हैं कि नहीं भाई नहीं अच्छा नहीं है ये वो, तो जैसे भी मुझे बताएंगे तो उस लिहाज से मैं अगला स्टेप उठाऊँगा। अच्छा, आपका असल नाम जो है वो अली है? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अली है। तो जब आप एक दौर पहले था बाज़ार जाया करते थे, अब आप बाज़ार जाते हैं तो लोग या दोस्त आपको आप किस नाम से बुलाते हैं, अली के नाम से बुलाते हैं या वो तुरगत या नूरगुल कहते हैं? तो अब तो मुझे ज़्यादातर वही शुगल के अंदर मुझे हर कोई बंदा ऐसे ही कहता है, ओए नूरगुल बड़ा फेमस हो गया, ओए तुरगुत, ये बस तुरगुत के नाम से पुकारते हैं, अली तो भूल ही गए सारे। सही है। ठीक हो गया जी, आपने नूरगुल की बातें सुनी, पाकिस्तानी नूरगुल की बातें सुनी, और हूबहू इनकी शक्ल जो है वो मिलती है, जो रियल किरदार है उनसे मिलती है, तो बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करने का, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एक कुल्हाड़ा जो है वो इन्होंने मुझे भी दिया, और मैं कहूँगा इनसे कि ये मुझे भी जो है वो चलाना सिखाएं।